और ये ब्लॉगिंग वगैरह जो है, मगर अगर लड़की करे कि अपने वो डाल रही हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी के मामलात, तो यकीन सी बात है बेपर्दगी होगी, इसकी इजाज़त नहीं होगी। अगर आप वैसी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं और उसमें सही डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जानवरों के ऊपर, इंसानों पे भी बनाते हैं, तो उसमें कोई फौज मनाजिर वगैरह नहीं है तो उसकी गुंजाइश निकलेगी। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बनाना या अपने ऊपर बनाना और फिर नामहरम उसको देख रहे हो, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं हो सकती है। ये कहती हैं कि बाद अवकात तो लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह डालते हैं यूट्यूब पर और उसमें वो लोग ऐड डाल देते हैं, बाद अवकात गैर मुनासिब ऐड भी होते हैं, म्यूज़िक वाले या लड़कियाँ नाच रही वगैरह वगैरह, इससे जो अर्निंग होती है आपकी वीडियो से वो शरण जायज़ है कि नहीं है। देखें, ये अगर आप मना करना चाहें तो आप मना कर सकते हैं, फिर ऐड को ज़बरदस्ती नहीं डालते हैं, आज जब यस कहते हैं तो वो डालेंगे। लेकिन बहरहाल आप अर्निंग एड्स की नहीं कर रहे, आप अर्निंग अपनी वीडियो की कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नाजायज़ तो नहीं कहेंगे कि अर्निंग नाजायज़ है। लेकिन ये आपका तर्ज अमल ज़रूर काबिल गरिफ्त होगा कि जब आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ डालेंगे कि जिसमें फहाशी है या गलत है, तो फिर आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं होया कि अर्निंग के लिए। इस इजाज़त पर आप ज़रूर काबिल गरिफ्त हो सकते हैं, लेकिन अर्निंग जो है, अगर आपने वीडियो ठीक डाली है, उसमें कोई गंदी चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ नहीं है, फहाशी वाली नहीं है, उरियानियत वाली नहीं है, बदअखलाकी वाली नहीं है, तो बिल्कुल फिर आपकी अर्निंग सही हो सकती है, इसको जहन में रखें। एक इन्होंने कहा कि बाद अवकात ऐसा होता है हम कोई दुकान चला रहे होते हैं तो गवर्नमेंट एक रेट लिस्ट हमें दे देती है कि इसके मुताबिक आपको चीज़ बेचनी है, लेकिन वो ऐसी होती है कि उसके ऊपर बेचें तो फिर हमें तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि पीछे से ही महंगी मिलती है, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, अगर तो यहाँ दो सूरतें हैं, अगर तो रेट लिस्ट वाकई बड़ी मुनासिब दी है और आपको पीछे से सही मिल रहा है, इसको फॉलो करना वाजिब है। फिर तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा नफ़े के लालच में अगर उसको रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करेंगे तो गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर रेट लिस्ट कम पैसों की बनाई गई, जैसे रमज़ान में ख़ास तौर पर पीछे से इतना महंगा मिलता है, उस रेट लिस्ट पर बेचना ही मुमकिन नहीं होता, ये गवर्नमेंट भी जानती है कि मुमकिन नहीं होता, तो भाई ऐसी रेट लिस्ट ना दें तो बेहतर है, खामखा लोग आजमाइश में पड़ते हैं। उस सूरत में अगर इसके खिलाफ चल के आदमी बहुत ज़्यादा नफ़े का लालच ना करे, वही जैसे ज़रूरत के तहत नफ़ा है कि अगर नहीं करेंगे तो आगे काम ही नहीं चलेगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा में बेचा जा सकता है और इसमें शरण कोई हर्ज नहीं है। पहलवी वाले लेते हैं कि एक तो ये बोडॉक्स के बारे में कहा कि ऐसी ट्रीटमेंट जिससे चेहरे की झिरियाँ वगैरह ख़त्म की जा सकें, इसके क्या हुक्म होता है। देखें, अगर तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते तो बिल्कुल ये करवाना शरण जायज़ है, और खुसूसन जैसे बाज़ लोग कहते हैं ऐसे होते हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग होती है या उनका शोब इससे ताल्लुक़ होता है कि उनका चेहरा बदनुमाई की तरफ चला जाता है, तो उस बदनुमाई को ख़त्म करवाने के लिए ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट करवाना कि जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते, वो बिल्कुल शरण जायज़ होती है, इसलिए करवा सकते हैं। और इसको उस मसले में नहीं लेके जाएंगे कि अल्लाह की तख्लीक में कोई मुदाखलत करना, क्योंकि ये तख्लीक में मुदाखलत नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसे झिरियों वाला पैदा नहीं किया था, फिर तो शायद कोई और हुक्म होता, मैं उसकी और तफसील आपको अर्ज़ करता। अल्लाह ताला ने तो जो खाल बनाई होती है बहुत ही साफ़ सुथरी सी होती है, छोटे बच्चे को देख लें, फिर जवानी के अंदर, फिर उधेड़ उम्र और फिर बुढ़ापे के अंदर, फ़र्क हमारे हालात ज़माना की वजह से आता है, तगैर ज़माना के अतबार से जिसम में अंदरूनी तौर पर होने वाली तब्दीलियाँ इसका सबब बन जाती हैं बाद अवकात। तो बहरहाल अच्छी नीयत के साथ, सही नीयत के साथ करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मालूम कर लें डॉक्टर से कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट्स ख़तरनाक किस्म के होते हैं तो फिर ऐसे तर्ज अमल से रुकना लाजिम होता है। सईदी साहब पर अगर आप गौर तफक्कुर करें तो हज़रत इस एहसास से ज़िम्मेदारी को कम हक़ पूरा करते हुए नज़र आते हैं। तकरीर में आप देखें, तहरीर में आप देखें, तदरीस में देखें, कितने उलमा बन गए, कितने उलमा तैयार किए। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इलियास रज़वी साहिब दामत बरकातुम अलालिया माशाल्लाह एक बड़ी अजीम इल्मी शख्सियत हैं, और आप सब तकरीबन अहले इल्म तबका उनको जानता है। गैर मारूफ हैं, इसलिए बाज़ोकात आवाम उनको देखकर ही नहीं समझ सकती कि कितने बड़े आलिम हैं, वरना वो इतने बड़े आलिम हैं और वो भी सईदी साहिब के इस चश्मे इल्म से सैराब है। और फिर सईदी साहिब ने एक जब तक ज़ात मौजूद होती है लोग उसको मर्जे बनाते हैं और वो उसको इल्म की इल्मी प्यास बुझाती रहती है। जैसे अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, कि हर तरीके से हर शोबाए ज़िंदगी के लोगों को एक हिदायत फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जारी रहेगी इंशाल्लाह, उनका फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। कमाल ये है कि इंसान दुनिया से रुख्सत हो जाए लेकिन उसका फैज़ जारी हो। बुजुर्गों ने फरमाया कि वो शख्स सादतमंद है कि खुद मर जाए लेकिन उसकी नेकी जिंदा रहे। सईद साहब तशरीफ़ ले गए लेकिन उन्होंने अपने ऑल्टरनेट तहरीर की शक्ल में वो इल्मी मजमूए दे दिए कि जब आप चाहें कि हम सईदी साहब की सोबत में बैठें या हम कलामी का शरफ हासिल करें, तिब्यानुल कुरान खोलें, शरई सही मुस्लिम खोलें, नेमतुल बारी नेमुल बारी खोलें, हजरत हम कलाम हो जाएंगे, और ना सिर्फ हम कलाम होंगे बल्कि मुकम्मल तौर पर हिदायत फराहम करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों टीवी पर दरस बुखारी कर रहा हूँ जिसको तकरीबन 11 साल से अब हो गया है, हदीस नंबर 1 से स्टार्ट किया और उन जो मैं शरह बयान करता हूँ उसका असल मर्जे और असल माकज हजरत है। मेरा इरादा था कि मैं हजरत का फैज इस लिहाज इस तरह भी जारी सारी करूँ कि हजरत का जो फैज है, जो इल्मी खजाना है, सारा तो बयान नहीं हो सकता, यकीनी सी बात है कि अवामी जहनी सतह पर भी उतरना होता है और वक्त का भी ख्याल करना होता है, लेकिन जो मग्ज है, जो क्रीम है, वो हजरत का ही इल्म है जो क़यामत तक इंशाल्लाह चल रहा है और चलता रहेगा। आतिफ ने मुझे एक मैसेज किया नसब के सिलसिले में सईदी साहब के तफर्रुद के बारे में। मेरी अपनी तो तहकीक नहीं थी लेकिन इनकी तहकीक यकीन कुरान में पढ़ा कि हजरत सैयद थे, हजरत सैयद थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने लिखा हो कि सैयद गुलाम रसूल सईदी, हालांकि वो मना तो नहीं था, लिख सकते थे ना, ये तो बड़ी सादत की बात है नस्बत और ताल्लुक। इससे मैंने एक नतीजा ये निकाला कि हजरत ने अपनी शनाख्त और पहचान इल्म को रखा, अगरचे नसब की शनाख्त मना नहीं थी और बहुत बड़ी सादत की बात थी, लेकिन आपने उस नसब की सादत को महफूज रखा आखरत के लिए और अपनी इल्मी शनाख्त ऐसी पहचान पैदा कर दी है। इल्मी लिहाज से जो करीब आएगा इंशाल्लाह इल्मी लिहाज से भी फैजयाब होगा और मैदान माशर में जब ये नाना जान के पास होंगे तो इंशाल्लाह ये शफात का हक भी दिलवा देंगे और शफात भी करवा देंगे। बड़ी बात है, हमें किसी पे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने इलाके में देखा एक पीर साहब को कि उन्होंने बचपन में हमारे साथ खेला कूदा, पक्का फराडिया में उसको जानता हूं अच्छी तरह, और नाम रख लिया अपने साथ सैयद। तो उनसे पूछा यार तूने सैयद क्यों लिखना शुरू कर दिया, कह लगा ये सैयद वो नस्बत वाला नहीं है, सैयद बमाने सरदार। आप अंदाजा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कायम करके लोगों की जेबें खाली कराना, उनको बुद्धू और बेवकूफ बनाकर एक आरजी और झूठा मकाम पैदा करके जाति मफादात हासिल करने के लिए लोग कितनी कोशिशें कर रहे हैं, और एक सईदी साहब हैं कि हकीकी नस्बत हासिल है लेकिन कभी कैश नहीं किया। ये सीखने वाली चीजें हमें सीखनी चाहिए। मुझे ये सादत हासिल हुई कि हजरत जब कब्र में तशरीफ ले जा रहे थे तो ये बच्चा जैसा इसको सादत नसीब फरमाए और बहुत इसको ये खुशबख्त बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है ये माशाल्लाह, सैयद उमैर, ये बहुत अच्छा बच्चा है। इसने मुझे मौका दिया, मुझे साहब आप कब्र में उतरे हजरत को, तो मैंने ये सादत हासिल की, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी वफात से कुछ अर्से कबल मैंने हजरत से मुलाकात की, मैंने उनको इंतहाई शफीक और मेहरबान पाया, बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, क्वेश्चंस किए और सराहा। ये बड़ों का बड़ापन होता है कि अगर कोई छोटा आपके पास आता है तो आप अपने बड़ेपन को इस अंदाज से जाहिर ना करें कि उसको एहसास कमतरी हो जाए, वो अपने आप वो आपको पहले ही मानता है, आपको और मान के चला जाए, उसकी ना सुने, उसकी हौसला अफजाई ना करें, लेकिन नहीं, हजरत ने बिठाकर इतनी अच्छी हौसला अफजाई की। और ये हमारे बड़ों का बड़ापन होता है कि जब छोटे उनके पास आते हैं तो जैसे खिलौने में चाबी भरे ना तो तेज चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता, दोबारा चाबी भर दो फिर शूं जाता है वो स्पीड के साथ। सईदी साहब को मैंने बहुत शफीक, बहुत मेहरबान और बड़ी दयानतदाराना अंदाज से इस्लाह करने वाला पाया।